अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी पिछली वीडियो का ही स्केड्यूल होगा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गॉल्जी अपैरेटस, उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है जी, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गॉल्जी अपैरेटस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, उसका ओरिजिन क्या है और गॉल्जी अपैरेटस क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग दी हुई है कि एंजाइम्स, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेसिकली सेक्रीशन का जो काम गॉल्जी अपैरेटस का जो काम है वो है मॉडिफिकेशन करवाना और सेक्रीशन करवाना। कंपाउंड जो इसके पास आता है उसके अंदर ये एडिशन करता है, ठीक है जी, उसकी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म देता है, उसकी पैकिंग करवाता है और जिस जगह भेजना हो उसे सेक्रेटरी वेसिकल की फॉर्म में वहाँ भेज देता है। लेकिन इसके अलावा गॉल्जी अपैरेटस की जो सिस्टर्न है या जो चैनल्स हम लोग कहते हैं, इसके अंदर मटेरियल होता है, इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है जी। तो वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो गॉल्जी अपैरेटस की जो सिस्टर्न है या जो चैनल्स होते हैं इसके अंदर बहुत से एंजाइम होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली हमें दिखते हैं या हम लोग स्टडी करते हैं उसमें सबसे पहले आते हैं जी ग्लाइको साइल ट्रांसफरेज, ठीक है। पहला एंजाइम कौन सा है? ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। दूसरे नंबर पे जो एंजाइम है उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइको लिपिड सेंथिटेज, जो कि ग्लाइको लिपिड की सेंसिस करवाएगा, ठीक है जी। इसी तरह जो अगला है वो है एटीपीएज, जो कि एटीपी की एटीपी उसकी ब्रेकडाउन फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, एटीपीएज एंजाइम जो एटीपी के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है जी। देन उसके बाद जो एंजाइम है वो है एसिड फॉस्फाटेज, ठीक है। ये बोन्स के लिए ऐसे अगर हम लोग बात करें तो डीमिनरलाइजेशन में काम होता है, इसका काम फॉस्फेट की ब्रेकेज होता है, जहां पे फॉस्फेट अटैच है वहां से उसे ब्रेक कर देना। देन उसके बाद है हाइड्रोलेज, ठीक है जी। ये क्या करता है जी? हाइड्रोलेज ये ब्रेकेज करवाता है, हाइड्रोजन की रिमूवल करवा रहा होता है बाय द फॉर्मेशन ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन जहाँ पे अटैच होगा उसकी ब्रेकेज करवाएगा, उसे वहाँ से रिलीज करेगा, इसलिए हम उसे हाइड्रोलेज कहते हैं। देन उसके बाद जो आएगा वो है जी ऑक्सी रिडक्टेज, ठीक है जी। ऑक्सीडिडक्टेज क्या है जी? एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करवा रहा होगा, ये ब्रेकडाउन करवा रहा होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रहा होता है। नॉर्मली जैसे कि अगर हम लोग बात करें ये एन ए डी पी और एन ए डी एच टू, इनकी ये रिडक्शन करवा रहा होता है, ठीक है जी। क्या करवा रहा होता है? इनकी रिडक्शन करवा रहा होता है कहाँ पे? साइटोक्रोम में, ठीक है। ऑक्सी रिडक्टेज क्या करवा रहा होता है? ये ब्रेकडाउन करवा रहा होता है किन की? एनएडीपीएच और एनएडीपी की रिडक्शन की फॉर्म में और साइटोक्रोम के अंदर, ये रेस्पिरेटरी चेन में यूज होने वाली प्रोटीन कंपाउंड होते हैं। उसके बाद ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें तो इसके ओरिजिन के मतलब तीन चार हाइपोथेसिस हैं, लेकिन नॉर्मली दो हाइपोथेसिस काफी बताए जाते हैं। उसमें सबसे पहला क्या जी? प्री एग्जिस्टिंग सिस्टर्न और फ्यूजन हाइपोथेसिस, ओरिजिन से मुराद की गॉल्जी अपैरेटस आया कहां से, यह बनता किस चीज से या कैसे बनता है। तो इसके मतलब दो हाइपोथेसिस दिए जाते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सिस्टर्न और फ्यूजन हाइपोथेसिस। प्री एग्जिस्टिंग सिस्टर्न से मुराद क्या है? इससे मुराद के जो गॉल्जी अपैरेटस के अंदर सिस्टर्न होती है, ठीक है जी, ये एक मेम्ब्रेन होती है, फर्ज करें ये एक मेम्ब्रेन आगे डिवाइड करती है, रेप्लिकेट करती है, किसमें जी? दो मेम्ब्रेन में। इसे हम लोग कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सिस्टर्न हाइपोथेसिस, के ऐसा हाइपोथेसिस जिसमें जो ये बताता है कि एक हाइपोथेसिस जो एक चैनल है, एक सिस्टर्न है, एक मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगी? ये रेप्लिकेट करके एक से दो में बदल जाएगी, इसे हम लोग कहते हैं जी प्री एग्जिस्टिंग सिस्टर्न। और फ्यूजन ये हाइपोथेसिस अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि गॉल्जी अपैरेटस बेसिकली बनती कैसी है। तो जो ER होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी जो रफ ER होता है इससे कुछ वेसिकल निकलती हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग ट्रांसपोरेटरी वेसिकल्स कह रहे होते हैं। और ये क्या करती हैं जी? ये सिस फेस की तरफ जाके बाइंड करती हैं और इनके फ्यूजन से क्या होता है? एक नई मेम्ब्रेन का इजाफा हो जाता है।
और इस तरह गॉल्जी अपरेटस की जो चैनल्स मेम्ब्रेन है सिस्टर्न है वो बनती हैं। उसके बाद अब हम फंक्शन की तरफ आते हैं, जो आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है, मेन कंसर्न है कि गॉल्जी अपरेटस फंक्शन क्या करता है। तो गॉल्जी अपरेटस के जो फंक्शन की बात की जाए, इसके मतलब डिफरेंट हाइपोथेसिस आते हैं कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, किस तरह परफॉर्म करता है, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो अब हम लोग फंक्शन की तरफ आएंगे, ठीक है जी। तो गॉल्जी अपरेटस का जो पहला काम है, ठीक है, वो क्या जी, ये जितनी भी चीजें ईआर से इसकी तरफ आती हैं, ये उसकी मॉडिफिकेशन करता है और उसे रिलीज कर देता है। गॉल्जी अपरेटस जिस जगह पे होता है उसके इर्द गिर्द एक एरिया ऐसा होता है जहां पे ना राइबोसोम, ना कोई लाइसोसोम, ना कुछ कोई भी चीज नहीं होती। इस एरिया को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक। द एरिया अराउंड द गॉल्जी अपरेटस वेयर देयर इज नो ऑर्गेनली प्रेजेंट, ओनली अ साइटोप्लाज्म कंपोनेंट प्रेजेंट, इज कॉल्ड जोन ऑफ एक्सक्लूशन, ठीक है जी। अब गॉल्जी अपरेटस जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगा वो वेजिकल की फॉर्म में कोई ना कोई कंपोनेंट रिलीज करके होगा। ये वेजिकल्स गॉल्जी अपरेटस की मेच्योरिंग साइड से निकलती हैं, ठीक है जी, बडेड ऑफ होने के बाद कुछ इस तरह। इन वेजिकल्स को अगर ये सेल के अंदर ही हैं और सेल के अंदर ही परफॉर्म करेंगी, हम इसे गॉल्जी वेजिकल्स कहते हैं, ठीक है जी। जैसा कि बाद में ये कन्वर्ट हो सकती है किसी भी ऑर्गेनली में, जैसा कि गॉल्जी वेजिकल्स ये बाद में बन सकती हैं प्राइमरी लाइसोसोम। और अगर ये वेजिकल सेल से बाहर जा रही हैं, सेल के बाहर जाके, जैसा कि हमने कहा इसका मेन काम क्या है गॉल्जी का, वो सेक्रीशन करवाना है, तो अगर ये सेल से बाहर जाके कोई काम परफॉर्म कर रही हैं तो तब हम लोग इन्हें कहते हैं सेक्रीटरी वेजिकल, ठीक है। गॉल्जी से कुछ वेजिकल निकल के आई हैं, इन वेजिकल हम लोग क्या करें, सेक्रीटरी वेजिकल्स या गॉल्जी बॉडीज। अब ये जो गॉल्जी बॉडीज होती है, ठीक है जी, नॉर्मली हम लोग कहा जाते हैं गॉल्जी बॉडीज क्या है, ये गॉल्जी वेजिकल्स क्या है, दे आर द ट्रैफिक पुलिस ऑफ अ सेल, ठीक है। गॉल्जी बॉडीज क्या है, दे आर द ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ये सेल की ट्रैफिक पुलिस है, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस जो कि वार्डन हम लोग नॉर्मली कहते हैं, उनका काम क्या जी, वो सड़क के ऊपर जो रोड ट्रैफिक है उसकी फ्लो को मेंटेन रखता है, उस डायरेक्शन को ख़राब नहीं होने देता, ठीक है जी, फ्लो स्मूथ रखता है। सेम गॉल्जी ऑपरेटर्स का काम क्या जी, या गॉल्जी वेजिकल का काम क्या है, इसका सेल के अंदर बाहर मटीरियल की जो डायरेक्शन है या मटीरियल की जो मूवमेंट है, ये उसको स्मूथ रखता है, ठीक है जी, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आने देता, डायरेक्शन दे रहा होता है कि इस मटीरियल ने कहाँ जाना है, किसने कहाँ आना है। इस वजह से जो गॉल्जी वेजिकल्स या गॉल्जी बॉडीज होती हैं, हम लोग उन्हें ट्रैफिक पुलिस ऑफ अ सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके फंक्शन की तरफ आते हैं। फंक्शन क्या है जी, ग्लाइकोप्रोटीन का जो गॉल्जी अपरेटस का बेसिकली फंक्शन है, ये सेक्रीशन और पैकिंग करवाना है। गॉल्जी अपरेटस की जो मैच्योरिंग फेज होती है, इससे जो वेजिकल्स बडेड ऑफ होकर निकलती हैं, इन वेजिकल के अंदर कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड या सिंपल प्रोटीन हो सकता है। तो अगर वो सेल के अंदर ही रह के काम कर रही है तो हम उसे गॉल्जी वेजिकल्स कह रहे हैं, जो कि बाद में कोई ऑर्गेनली भी बन सकती है, जैसा कि प्राइमरी लाइसोसोम, अगर सिर्फ एंजाइम्स ही हैं इसमें। अगर ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है और जिस सेल से बाहर जाए काम करे तो हम लोग इसे सेक्रीटरी वेजिकल या गॉल्जी बॉडीज कहते हैं। और ये जो गॉल्जी वेजिकल्स वगैरह सेल से निकलती हैं, गॉल्जी बॉडीज होती हैं, इसे हम लोग कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ अ सेल। जिस तरह ट्रैफिक पुलिस जो वार्डन होता है, ट्रैफिक पुलिस का काम रोड के ऊपर जो ट्रैफिक आ जा रही है उसको, उसके फ्लो को स्मूथ रखना है, इसी तरह इसका काम भी सेल के अंदर बाहर मटीरियल की फ्लो को स्मूथली करवाते रहना होता है। फंक्शन की तरफ, जैसा कि हमने पहला पढ़ लिया कि इसका काम क्या है, ये सेक्रीशन करवाती है और पैकिंग करवाती है, ठीक है जी। ये क्या करवा रही होती है, सेक्रीशन और पैकिंग। तो सेक्रीशन और पैकिंग के दौरान क्या होता है, बेसिकली जो गॉल्जी वेजिकल निकली हैं इसमें से, इनके अंदर कुछ ना कुछ पैक फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें क्या होंगे जी, मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ पैक फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसा कि हमने अक्सर पढ़ा कि इसका काम क्या होता है, ये मॉडिफिकेशन करवाती है उन वेजिकल्स की जो आर ई आर से आ रही होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ये उनकी क्या करवा रही होती है, मॉडिफिकेशन। अब वो मॉडिफिकेशन के वजह से जो केमिकल रिलीज होते हैं उसमें
सिंपल प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है जी, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए ऐसे देखते हैं, प्रोटीन सेक्रीशन के ऐसी सेक्रीशन जो गॉल्जी वेजिकल की फॉर्म में सेल के बाहर निकलेगी और उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन होगी, ऐसी सेक्रीशन नॉर्मली हमें पैंक्रिया में मिलेगी, ठीक है जी, पैंक्रिया में मिलेगी। इसके अलावा बहुत से सेल्स में हो सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल पैंक्रिया के हम लोग ले रहे हैं। पैंक्रिया के अंदर एक सेल्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं जाइमोजिन सेल। जाइमोजिन सेल्स के अंदर जो गॉल्जी अपैरेटस होता है, इसका काम होता है प्रोटीनस सेक्रीशन बनाना और उसे उसी फॉर्म जो रिसीव किया गॉल्जी वेजिकल ने कहाँ से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसकी मॉडिफिकेशन करना, लेकिन वो प्रोटीन नेचर ही रहेगी, वो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड नहीं बनेगी। उसे ये गॉल्जी अपनी मैच्योरिंग फेज से निकाल देता है, फिर वो सेल पैंक्रिया से बाहर चले जाते हैं और ये पैंक्रियाटिक जूस जिसे हम लोग कहते हैं उसकी फॉर्म में या पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के कलेक्शन की फॉर्म में जाते हैं। तो नॉर्मली जाइमोजिन जो होते हैं ये जो सेक्रीशन निकालते हैं वो प्रोटीन होती है और इसका काम क्या होता है जी, डाइजेशन करवाना। और ये जो सेक्रीशन होती है जिसे हम लोग प्रोटीन इन नेचर कह रहे हैं, ये सेक्रीशन बेसिकली पैंक्रिया से पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, जिसे हम लोग डाइजेशन के जब हम लोग कोर्सेज स्टार्ट करेंगे तो तब वहाँ पर पड़ेंगे। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन, इसकी एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन में सबसे पहले क्या होता है जी, जो म्यूकस है, ठीक है, क्या म्यूकस, ये भी क्या होता है, सेक्रीशन होती है कुछ सेल्स की और ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है। किन के अंदर? ये आपको मिलेगा इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर, ठीक है जी, ये आपको किन के अंदर मिलेगा, इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर मिलेगा। ये इंटेस्टाइन के सेल के अंदर हमें मिलता है। तो इंटेस्टाइन के सेल के अंदर जो म्यूकस की सेक्रीशन होती है तो इंटेस्टाइन के अंदर जो एक लुब्रिकेशन कह लें या म्यूकस की एक पतली सी एक चिपचिपी सी लेयर होती है, वो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन होती है। और कहाँ से आती है? इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो गॉल्जी ऑपरेटस है वो ये सेक्रीशन बना रहा होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग प्रोटीन की एक ग्लाइकोप्रोटीन की सेक्रीशन के लिए ऐसे एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, वो किन में मिलती है जी हमें, वो हमें मिलती है ममेरी ग्लैंड की सेक्रीशन में, ठीक है जी। ममेरी ग्लैंड, उनसे एक सेक्रीशन निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टोप्रोटीन। इस लैक्टोप्रोटीन का दूसरा नाम कैसिन है, जिसे हम लोग मिल्क प्रोटीन भी कहते हैं। आसान अल्फाज में कहते हैं कि ममेरी ग्लैंड से एक लैक्टोप्रोटीन सेक्रीशन बाहर निकलती है जिसे बच्चा कह ले के सक कर रहा होता है, जिसे हम लोग अपनी जुबान में मिल्क कहते हैं। तो वो सेक्रीशन भी नॉर्मली ज़्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन होती है। इससे मुराद ये नहीं कि उसमें बाकी कॉम्पोनेंट नहीं होते, लेकिन ज़्यादा तादाद में ग्लाइकोप्रोटीन होती है। अब गॉल्जी ऑपरेटर्स का जो दूसरा काम है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है जी। जो गॉल्जी ऑपरेटर्स है इसका दूसरा काम डिटॉक्सिफिकेशन करना भी होता है। ठीक है जी, गॉल्जी ऑपरेटर्स का दूसरा काम क्या जी, डिटॉक्सिफिकेशन करना। जब हम लोग फूड खा रहे होते हैं तो बहुत कभी कभार या नॉर्मली जो हो रहा होता है कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो लेस टॉक्सिक हैं, हाईली टॉक्सिक नहीं है, लेस टॉक्सिक हैं। अगर हाईली टॉक्सिक हो गए तो कॉम्प्लिकेशन उसी वक्त शुरू हो जाती हैं। जो लेस टॉक्सिक हैं बहुत लो पावर के होते हैं, जो खुराक के जरिए कोई चीज़ पीते वक्त, ठीक है जी, हाथ पे कोई चीज़ लगने से अगर हमने उबासी वगैरह लिए मुँह में हाथ रखा तो उससे चले जाते हैं, उनकी जो डिटॉक्सिफिकेशन है, कि डिटॉक्सिफिकेशन से मुराद क्या, टॉक्सिन्स को तोड़ देना, तबाह कर देना।